कल लाइन बाजार स्थित तनिक शोरूम में जो आपराधिक घटना हुई है उससे सारा व्यवसायी समाज तथा आम लोग भयभीत हैं। इस संदर्भ में हम लोगों ने आज पूर्णिया के विभिन्न संगठनों के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके कि जल्द से जल्द अपराधियों की धरपकड़ हो और अच्छा मैसेज प्रशासन की तरफ से समाज में जाए। और हम लोग की मांग है कि 72 घंटा के अंदर अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए, नहीं तो व्यवसायी सड़क पर उतरेंगे और एक आंदोलन दर्ज होगा। इसलिए प्रशासन से आग्रह भी है तथा कि तत्पर होकर जल्द से जल्द अपराधियों को की धरपकड़ की जाए। कल लगभग 12 बजे लाइन बाजार के तनिष शोरूम में जो घटना घटी उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम। उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां हजारों की संख्या में हर वक्त लोग उपस्थित रहते हैं, पुलिस प्रशासन भी रहती है, वहां इस तरह की घटना थोड़ा सा सबको चिंतित करती है। हमको पूर्णिया प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर काफ़ी भरोसा है। हमने उनकी कार्यशैली को का अध्ययन किया है और हमें लगता है कि आज से कुछ दिन पहले और अभी की कार्यशैली में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, नयापन आया है, तकनीकी का विकास हुआ है और वैज्ञानिक अनुसंधान भरे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि पुलिस प्रशासन इस तीनों चीज़ का आधुनिक जो वैज्ञानिक अनुसंधान के तरीके हैं उसका पूरा का पूरा उपयोग करेगी और जल्दी से जल्दी अपराधियों के को अपनी गिरफ्त में लाएगी और इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति नहीं होगा। हमें अभी समाज के सभी तबके के लोगों से अपील करते हैं कि सबको इसमें सहयोग कीजिए। जहाँ भी हो जिस तरह की सूचना मिलती हो पुलिस को प्रशासन को निश्चित रूप से दें और हम लोग धैर्य बनाए रखें और हम लोग प्रशासन को मदद करें और प्रशासन निश्चित रूप से अपराधी को पकड़ें, मेरा यही मानना है। आज हमारा पूर्णिया जिला भय के माहौल में जी रहा है। विगत 2 महीनों से काफ़ी घटनाएं घटी हैं। अब भवानीपुर में घटना घटी, उसको अगर हम छोड़ दें तो 2 लूट की घटना पिछले 1 से 1.5 महीनों में हुई है, जिससे व्यवसायी वर्ग उद्यमी वर्ग काफ़ी अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। हम प्रशासन जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उद्यमियों और व्यवसायियों के बीच विश्वास बनाने के लिए आप जल्द से जल्द पूर्णिया में जो 2 घटनाएं लूट की घटनाएं हुई हैं उसका त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन करें, अन्यथा हम व्यवसायी वर्ग और उद्यमी वर्ग बहुत जल्द आंदोलन करेंगे। ये आवेदन भी आप दे रहे हैं? जी, मैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के तरफ से मैंने पुलिस महानिदेशक को और गृह सचिव को लेटर भी दिया है, जो लेटर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और साथ ही मंडे को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात कर जो पूर्णिया की वास्तविक स्थिति है उनसे अवगत कराएं। कल की जो घटना हुई है ज्वेलरी शॉप में लूट की, इससे व्यवसायिक वर्ग काफ़ी भयभीत और मर्माहत है और अगर ये घटनाएं नहीं रुकी तो आने वाले समय में पलायन के लिए भी बाध्य होगा। व्यवसायिक वर्ग इनकम टैक्स देता है, GST देता है, समाज की सारी गतिविधियां, चाहे वो सामाजिक गतिविधि हो, चाहे वो राजनीतिक लोगों को चंदा देने की स्थिति हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, बिना व्यवसायियों के सहयोग के पूर्ण हो ही नहीं सकता। हाल में आपने देखा किसी पॉलिटिशियन के रिलेटिव्स की हत्या हुई दरभंगा में और 12 घंटे के अंदर SIT का गठन हो गया और एक जवान महत्वपूर्ण व्यवसायी भवानीपुर के, उनका मर्डर हुआ और आज तक लोग मांग करते रहे SIT के गठन की और वो अभी तक नहीं हो पाया है और लीपापोती का मामला चल रहा है। ये चाहिए कि व्यवसायिक वर्ग को जो इतने महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं देश और समाज के लिए, इनके लिए सुरक्षा के राज्य सरकार को उच्च मापदंड स्थापित करने चाहिए, तभी व्यवसायियों का प्लान रुकेगा
और बिहार आगे बढ़ पाएगा। देख के ऐसा लगता है कि अपराधियों का मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब तक जो भी अपराध होता था तो लोग चेहरा छिपा के या उसका DVR को तोड़ते थे या CCTV को तोड़ते थे। कल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पुलिस बहुत मामले में करती थी स्केच बनाती थी, इस बार तो ऐसा हुआ है कि पूरा चेहरा सबों का सातों का पुलिस के सामने है। इसलिए पुलिस प्रशासन का खौफ समाप्त हो चुका है। तो हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अविलंब गिरफ्तारी हो, बरामदगी हो सामान की और आगे पुनरावृत्ति ना हो, ये जरूर करें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। बाकी जो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है व्यवसायियों के तरफ से काफ़ी सराहनीय है। पुलिस को भी कुछ समय मिलनी चाहिए, 72 घंटा काफ़ी है पुलिस के लिए। पुलिस तो चाहे तो 2 घंटा में भी कर सकती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सब मिल के जो भी होगा निर्णय आज बैठक के बाद सब संगठन मिल कर के लेंगे और आगे भी साथ रहेंगे। मुझे बहुत थोड़ी शब्दों में कुछ बात करनी है। जो घटना हुई है, जो क्राइम हुआ है, वो एक पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर थोड़ी भी शर्म है इस चैलेंज को स्वीकार करें और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, नहीं तो दूसरी घटना के लिए वो तैयार है। क्योंकि आज तक इतिहास है, पहले भी पूर्णिया में इस तरह की जोड़ने की घटना हुई है और नहीं पकड़ पाने के कारण फिर दूसरी बार घटना हुई। मनोबल अपराधियों का बढ़ता है। अब ये समझने वाली बातें हैं, यहाँ पे पुलिस, पूर्णिया पुलिस या बिहार सरकार या सारा प्रशासन, सबसे कमज़ोर तंत्र व्यापारी है, व्यापारी में भी ज्वेलर्स हैं। तो ये लोग समझते हैं और ऐसा होते आया है और सारा व्यापार, पूरा संगठन, पूरा सरकार व्यापार के द्वारा चलता है। इसको कमज़ोर नहीं समझें, ये समय की बातें थी, अब वो समय नहीं रहा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, सब कुछ संभव है। इसलिए सिर्फ छिपे हुए शब्दों में मैंने बहुत कुछ कहा, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। होटल एसोसिएशन तरफ से मेरी मांग सीधा मुख्यमंत्री जी से है कि हमने आपके पहले कार्यकाल को देखा जिसमें आपका जीरो टॉलरेंस था क्राइम के विरुद्ध, और एक बदलाव देखा बिहार ने। आज बिहार जहाँ खड़ा है आपके उन वचनों के कारण, और आज हम लोगों का विश्वास उठ रहा है। हम लोग आपके आर्थिक मददगार हैं, हम लोग आपके आय के स्रोत हैं, हम लोग GST देते हैं जिससे आपका बिहार चलता है। अगर व्यवसाय सुरक्षित नहीं है तो आपका राजस्व सुरक्षित नहीं है। तो आप पुनः अपने पहले कार्यकाल के हिसाब से फिर से उस रंग में आए और जीरो टॉलरेंस क्राइम के प्रति अपनाएं, वैसे अफसरों को की यहाँ पर प्रतिनियुक्ति करें जो क्रिमिनल, जिनके नाम से कहे कि जैसे शिवदीप लांडे साहब, मैं नाम लेना चाहता हूँ, 4 दिन के लिए पूर्णिया आए थे, बिना नंबर की गाड़ियाँ, जो मोटरसाइकिल थी, कारें थी, वो शहर आना बंद हो गया था। तो वैसे अफसरों की जरूरत है जो कि क्रिमिनल्स के साथ बैठे नहीं, उनका इनकाउंटर करें। और आप भी यदि कोई क्रिमिनल डिटेक्ट होता है, उनके घरों को 2-4 बार बुलडोजर से तोड़ने काम करें। जब तक खौफ नहीं होगा अपराधियों में, अपराध रुकेगा नहीं। आप DM को ये आदेश करें, यदि कोई व्यवसायी हथियार के लिए आपके यहाँ आवेदन करता है तो आप बुला करके उन्हें हथियार मुहैया कराएं, लाइसेंस मुहैया कराएं। अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक बार ठीक हो जाइए, फिर से आप बिहार को देखना शुरू करिए पहले कार्यकाल की तरह। इन्हीं बातों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ कि अपने व्यापारियों को, अपने इन्वेस्टर्स को सुरक्षित करें। अराजकता बढ़ जाता है अगर अपराधियों में डर खत्म हो जाता है। तो अपराधियों में डर खत्म होगी तभी समाज में शांति और सुरक्षा भी महसूस करेंगे लोग। तो समाज के लोगों से भी अपील है कि वो एक जानते हुए कभी भी किसी अपराधी को अगर जानते हो तो प्रशासन आ जाए और प्रशासन इतनी शक्ति बरते कि अपराध करने से अपराधी डरे, तभी जाके समाज में शांति रहेगी और आदमी सुरक्षा के साथ जी सकेंगे। धन्यवाद। अनुरोध है वो जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ें और सबको जेल के पीछे डालें, ताकि 72 घंटे के अंदर हम लोग को आंदोलन का रूप हथियार न करना पड़े और फिर से हम लोग व्यापारी और शांति से जी सकें। घटना हुई है, काफ़ी दुखद घटना है, खास कर के लिए पूर्णिया के लिए, कि आज जो यहाँ जो शोरूम है, जो तनिक शोरूम, उसमें दिन दहाड़े सुबह के समय जो ये घटना हुआ है, इसके लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ यति शीघ्र उसको गिरफ्तार किया जाए, अपराधी को पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और खासकर मैं जिला पदाधिकारी से भी निवेदन करना चाहूँगा,
जो व्यक्ति आर्म्स लेना चाहते हैं, जो व्यवसायी आर्म्स लेना चाहते हैं, उनको आर्म्स दिया जाए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए। आप व्यवसायियों अगर है उसको तहरीज दिया जाए, उसको बताया जाए कि आप आर्म्स लीजिए। अगर किसी व्यक्ति के पास, अगर व्यवसायी के पास अगर आर्म्स उपलब्ध है तो कृपया वो अपने घर की शोभा वस्तु ना बनावे, वो अपने उनको दिया ही जाता है अपनी माल जाल की सुरक्षा के लिए। तो बोला भी गया है, पहले भी एसपी साहब बोले हैं कि अगर हम किन्हीं को वेपन दिए हैं, आर्म्स दिए हैं, तो वो अपने घर में संदूक पे उसका शो का वस्तु न बनावे, वो अपने प्रतिष्ठान पे रखे। तो मैं आज जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ, और खासकर हम आज भी डिप्टी सीएम से सर से भी बातचीत हुई है, वो इस पे संज्ञान लिए हैं, अति शीघ्र अपराधी पकड़ा जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।